दोस्तों इस बोतल को देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाने वाले हैं जिसे आप लोग भी देखना चाहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस बोतल के अंदर है क्या। तो यार इसके अंदर तो एक बिच्छू है। दोस्तों आप लोग जो ये बिच्छू देखोगे ना, तो ये बिच्छू जो है ये हमारे घर पे पता नहीं कहाँ से आ गई थी, जो हमें नहीं पता कि कहाँ से आई कहाँ पे थी, लेकिन हमने इसको जब देखा तो हमने सोचा कि इसको घर पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये कहीं से भी किसी को भी डंक मार सकती है। तो इसके डंक में जो जहर होता है वो काफ़ी घातक होता है, क्योंकि किसी भी इंसान को जब ये डंक मार देती है तो काफ़ी वहाँ पर जहाँ पर डंक मारती हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, क्योंकि हम पूरी सेफ्टी के साथ इस चीज़ को कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा कुछ भी मत करना। दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले कभी बिच्छू को देखा था, या फिर आप लोगों को कभी बिच्छू ने डंक मारा है? अगर मारा है तो कमेंट करके बताना दोस्तों। और दोस्तों आज मैं इस बिच्छू को रेस्क्यू करके दूसरी जगह पे छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि इस जगह पे इसका रहना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी डंक मार देगी तो काफ़ी घातक होता है इसका जहर। तो इसलिए हम इस बिच्छू को यहाँ पे नहीं रहने देंगे, इसको हम दूसरी जगह पे बाहर ले जाके छोड़ देंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को भी अगर कभी बिच्छू काट ले या फिर डंक मार दे तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि जब कभी भी बिच्छू डंक मारती है तो काफ़ी दर्द होने लगता है, और उस टाइम हम सोचते हैं कि क्या लगाएं, क्या करें, इस पे क्या करना चाहिए हमें, या फिर क्या करना सही रहेगा। तो इसी चीज़ को मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिच्छू किसी को काट ले या डंक मारे तो क्या करें हम घर पे। दोस्तों आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब किसी को डंक मार देते हैं बिच्छू या फिर कुछ कर देते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि घर पे कुछ घरेलू उपाय करके इसे दर्द को कम कर सकें। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि बिच्छू काटने के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों आमतौर पर जो इसके लक्षण होते हैं वो वहाँ पर जहाँ पर बिच्छू डंक मारते हैं वहाँ पर लालपन हो जाता है, या फिर खुजली होने लगती है, या फिर दर्द या और सूजन भी हो सकता है। और दोस्तों इनमें 1500 से 2000 के बीच प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें से कुछ प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग पहचान भी लेते हो कि ये जहरीली नहीं है, फिर भी आप लोगों को इसका इलाज करना चाहिए। जहां पे भी डंक मारती है वहां पे कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, इससे एलर्जी भी हो सकती है अगर कुछ ना किया जाए तो। कोई कोई इसमें से जो डंक मार देती हैं तो काफ़ी घातक होता है और काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है वहाँ पर। दोस्तों बिच्छू के डंक दर्द भरे हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश में इससे नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ प्रजातियां संभावित रूप से घातक डंक मार सकती हैं, और ये अपना डंक मार के छोटे बच्चे और बुजुर्गों को गंभीर रूप दे सकती हैं। दोस्तों इसके अधिकतर जो मामले होते हैं वो बिना उपचार के ही ठीक हो जाते हैं, और गंभीर मामलों में विष निरोधक दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि अगर कभी भी बिच्छू काट ले या डंक मार दे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ इलाज कर लेना चाहिए। दोस्तों जिसका दिल कमज़ोर हो या फिर फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको तुरंत इलाज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसको ये डंक मार के अपना घातक रूप दे सकती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बिच्छू अगर डंक मार दे तो हमें घर पर क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर उस टाइम हमें बर्फ़ का टुकड़ा मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ पर उसने डंक मारा है वहाँ पर अगर हम उसको रख दें तो जहर को फैलने से रोकता है और काफ़ी धीमी गति कर देता है उसके जहर को फैलने की। अगर उससे भी कुछ असर नहीं होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुरंत आप लोगों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और तुरंत ही इलाज के लिए जाना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें। दोस्तों क्या आप लोग इस बिच्छू को बता सकते हो कि ये विषैली है या फिर नहीं? क्या इसके काटने से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा या फिर नहीं होगा? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना। दोस्तों हम इसे बहुत ही सावधानी से बाहर लेके जाएंगे और इसे छोड़ देंगे।
और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके बताना, हम उस पर भी वीडियोस बना देंगे। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।